लाइट भी चलेगा और देखने में एकदम अलग लेवल का लग रहा है यार, मजा आएगा। लेकिन तो फाइनली भाई लग चुका है, लेकिन यार ऊपर का ना नट इसमें कसा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने टाइटर मंगाया है। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई मिले, कैसे हो भाई? बढ़िया। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। भाई काफी दिनों बाद अपने घर से ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग हो रहा है। एक्चुअली सुबह सुबह हम लोग का आज बहुत काम है, तो सुबह सुबह सबसे पहला हम लोग को ये काम करना है कि बुलेरो का जो चाली है, जो हम लोगों ने सरन से खरीदा था, उसको फिट कराना है। पोषण भी आ चुका है इसमें। भाई बर्तन है अपना, जो कि हम आए थे टूर से तो डायरेक्ट घर पे लेके चले आए थे, और यहाँ पे अपना चूल्हा गैस। पोषण यहाँ पे, गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। गुड मॉर्निंग। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के पास। ये रहा भाई अपना काशी एक्सप्रेस। ये जो जाली है लगवाना है इसको, यहाँ पे लगवाना है जाली को। क्या बोलते हो, आज कुछ बनेगा भाई? चलो देखा जाए। देखा जाए, चलो ठीक। अभी सब कुछ पीछे ही रख देते हैं, जहाँ पे जा रहे हैं इसको लगवाने के लिए वहीं पे सब सामान को आगे रखेंगे। ये भाई टूटे ना, काफी महंगा सामान है, मिलता नहीं जल्दी। पोषण यहाँ पे गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है। तो भाई गाड़ी स्टार्ट कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं, फटाफट का जो काम है वो अपना करवाते हैं। भाई आ जाओ फटाफट, निकलते हैं अब आगे। क्या बात है भाई, सुबह सुबह जाम, ये देखो सुबह सुबह जाम लग गया बनारस में यार। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई मिले, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। बढ़िया है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे धन्यवाद धन्यवाद। तो फाइनली भाई गाड़ी का काम हो चुका है चालू। यहाँ पे भैया अभी ये वाला पुराना वाला जाली को खोल रहे हैं, इसको भी सही सलामत घर पे ऐसे ही पैकिंग करके लेके जाएंगे। पोषण इसको भी खोलना है यार थोड़ा। भैया रात को गजब का लगेगा यार, जब ये जलेगा ना तो मस्त लगेगा भाई। तो फाइनली भाई अपना पुराना वाला जो जाली था वो निकल गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना पुराना जाली है, ठीक है। अब इसको भी रख देंगे, इसमें कुछ खराबी नहीं है, बस इसका जो लॉक है ये टूट चुका है, इसके वजह से काफ़ी ढीला था ये। और ये वाला दिखाओ भाई, इसमें भाई लाइट भी चलेगा और देखने में एकदम अलग लेवल का लग रहा है यार, मज़ा आएगा। लेकिन चलो, तो भाई एक प्रॉब्लम हो रहा है यार जाली लगाने में। मिस्त्री साहब बोले यार टाइट कैसे होगा, ये समझ नहीं पा रहे एक्चुअली टाइट होगा तो होगा कैसे, अंदर वहाँ घुसेगा फंस जाएगा, वो फंसने वाला। क्योंकि इसमें देखो पूरा ये पैक है और यहाँ पे कहीं पे हाथ डालने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे कसाएगा, क्या सोच रहे हैं, क्या हो पाएगा? वही देख रहे हैं ऊपर कैसे कसाएगा, मान लो नीचे का तो हाथ उठा तो। एक छोटा सा बच्चा मिला ये वीडियो देखता है, कौन से क्लास से पढ़ते बेटा? थर्ड बी भैया। चलो मन से पढ़ाई करना, ठीक है, वीडियो देखते हो मेरा? यस भैया। चलो फेसबुक में, चलो थैंक यू यार, थैंक यू बाबू। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई और मिले, वीडियो देखते हैं भैया? लद्दाख ट्रिप देख रहे थे क्या? अरे भैया थैंक यू। तो फाइनली भाई लग चुका है, लेकिन यार ऊपर का ना नट इसमें कसा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने टाइटर मंगाया है। नीचे का नट तो टाइट हो चुका है, लेकिन ऊपर का जो नट है वो भाई टाइट नहीं हो पाया, क्योंकि जाली में छेदा नहीं है, कहीं से भी रिंच घुस नहीं पा रहा है। तो टाइटर से दो जगह में टाइट करेंगे ताकि हिले ना मेरा और बाकी में प्रॉब्लम ना हो। तो भाई गाड़ी का काम करवाते करवाते हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिले, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया भैया। और एक भैया इधर, कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया है, वीडियो हम देख रहे हैं तब आगे। अरे धन्यवाद धन्यवाद भाई धन्यवाद। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे टाइटर लगाया जा रहा है, टाइटर से टाइट किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर का जो नट है भाई टाइट नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हमारे मिस्त्री सब लगा ही देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी टाइटर से टाइट हो चुका है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बस थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए और खुल के थोड़ी गिर जाएगा यार। तो भाई काम तो कम्प्लीट हो चुका है, लगने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ये वाला अच्छा लग रहा था या फिर ये वाला? पोषण इसको उठाना एक बार, उसके बगल में रखना भाई आप ना, उसके सामने ये जीरो लग रहा है ये देखो। लेकिन यार इसका कंपनी का इसका भी बात ही कुछ अलग है ना, ये लोगो निकल गया अपना, सबसे बुरा चीज हमको ये लग रहा है ये लोगो अपना निकल गया। इसको लेकिन रख देंगे पोषण, कभी ना कभी काम ही दे देगा क्या, ये देखो। लेकिन इसका लुक भाई अलग है और इसका लुक अलग है, ये देखो भाई। तो पोषण देख रहे हो पुराना वाला को पैक भी कर लिया, पुराना वाला फेंकना नहीं है, पैक करके रख देना है, कभी अगर मान लो ये टूट जाए दिक्कत हो जाए तो उसको लगाना है क्या? भाई यार लुक ही पूरा चेंज हो गया, ऊपर से ये देखो
व्हील कैप, ठीक है। अभी तो भाई लाइटिंग का काम बाकी है, लाइटिंग का जो काम रहेगा ना वो आज से स्टार्ट हुआ है, लेकिन भाई आपको कल के ब्लॉग में लाइटिंग का काम भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा काम करवाना है गाड़ी में। तो पोषण अभी इस गाड़ी का सीट जो है इसको बाहर कर रहा है, क्योंकि जो अपना गैस है, चूल्हा है, खाने पीने का जो सामान है इसके नीचे वो रखना, ये अपना गोदाम है, ठीक है, ये अपना गोदाम है, इसी के नीचे पूरा गोदाम के नीचे अपना सामान रहता है, और ये सब जो गाड़ी का सामान इसको भी घर पे आज रात को रख देंगे। पर बंगाल में केला खरीदा था और केला खाना हम भूल गए थे, तो दिखाएं आपको सूख के कैसा हो गया, ये देखो ये केला है, केला भाई फेंक दो यार अपना। ये मैगी भी बच गया है लद्दाख ट्रिप का, मैगी है, कॉफी है, चलो बच गया कोई बात नहीं, हम लोग अभी खाएंगे। गैस का अपना जुगाड़ यहाँ पे है, गैस यहीं पर रखाता है अपना, एक मिनट भाई, हाँ जाओ 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 और जाओ, बस ठीक है, हाँ बस बस ठीक है भाई। अपना सामान था, चाहे मैगी हो, चाहे गैस हो, चाहे बर्तन हो, इसके अंदर आ गया, और यहाँ पे चूल्हा भी रखा हुआ है। पोषण गंदा है, गंदा है, गंदा है भाई, थोड़ा इसको झाड़ लो यार, इसको झाड़ लो, गंदा है वहाँ पे, लगा दो भाई आराम से। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिले हैं जो कि लद्दाख का पूरा फुल वीडियो देखे हैं, ताकि नेक्स्ट ट्रिप का भी वीडियो उनमें प्यार दीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रिप में निकलने वाले हैं, 3000 किलोमीटर का सफर होने वाला है। बाकी आप लोग कमेंट करके पहले से मुझे बताओ कि कहाँ का ट्रिप करना चाहिए, कम से कम 3000 किलोमीटर का होना चाहिए, वाराणसी टू 3000 किलोमीटर कहीं का भी बोलो चले जाएंगे। अभी हम लोग निकलेंगे चलुआ सट्टी, जहाँ पे सब्जी लेके आते थे, आप लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे विकास भाई आए, उनका गाड़ी एक्चुअली रात को खाली नहीं हो पाया है, इसी वजह से बोल रहे भैया आइए थोड़ा सा मिल भी लेंगे, तो जा रहे हैं उनसे मिलते हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे उनके साथ, जूस वूस पियेंगे, उसके बाद फिर एक दो काम और है। कल के ब्लॉग में आपको पूरा फुल लाइटिंग का काम दिखेगा, तो लाइट भी हमें खरीदने जाना है, देखते हैं अगर इधर लाइट बढ़िया मिल जाएगा तो इधर से खरीद लेंगे। तो पोषण पानी लेने के लिए गया था, आ गया भाई पानी लेके, आ जाओ भाई खोल देते, चलो आ जाओ, चलिए अब यहाँ से निकला जाए हम लोग। तो ये विकास का गाड़ी दिखा दो भाई, अभी तक खाली नहीं हो पाया है बेचारे गाड़ी, बोल रहा था भैया कहाँ पे है, अंदर सोया पड़ा है भाई साहब। फिलहाल गाड़ी को इधर साइड में लगा दिया है, और ये देखो विकास यहाँ पे इसको जगाते हैं, अभी सोया पड़ा है ये, इधर देखो ये बंदा सोया था, अभी जगाया गया है। अकेले सोने के लिए विकास सही है ना, अकेले सोने में कोई दिक्कत नहीं है क्या, अकेले सोने के लिए यहाँ पे देख लो बिस्तर इसका है भाई, अपना सोया पड़ा था यहाँ पे, चलो कहीं चलते हैं फिर भाई। इसका डाला देख रहे हो, ये देखो नंबर आ गया विकास तुम्हारा यूट्यूब में, बहुत लोगों का फोन आएगा भाई, नंबर मत देना यार भाई, नंबर देने के लिए इसलिए मना करते हैं किसी को ना, देखो भाई गाड़ी चलाते हैं, फ़ोन आएगा, डिस्टर्बेंस होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि यार कोई हमारे दोस्त जो हैं वो किसी को नंबर ना फैलाए। तो यहाँ पर नंबर आ गया विकास का, विकास नंबर मत देना मेरे भाई, ठीक है, दिल में दबा के रखना। और ये देखो भाई विकास का गाड़ी, ये एक्चुअली विकास ये बनवाने में कितना खर्चा आया था तुमको दुर्गापुर में, 30,000 23,000 इंजन लगाने में 23,000 लग गया, वाह भाई, हाँ अच्छा लोहा महंगा था, ये देखो भाई। और गाड़ी में परवल लोड है, परवल अभी खाली नहीं हो पाया है, आधा खाली हो गया, आधा ही बचा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई थोड़ा सा घूमने के लिए, विकास आया है, विकास देख लो इसका चेहरा, दुर्गापुर का है ये, ठीक है इसका बेचारे का शादी होने वाला है, बोल रहा भैया एक पिकअप और लेना है, तो शादी करोगे कि पिकअप चलाओगे, अभी गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाओगे ना, गाड़ी नहीं छोड़ोगे किस्त कितना है, 23,000 इसका है, दोनों मिला के 40,000 रुपया किस्त भरता है, ना जिगरा देख रहे हो, यहाँ 18,000 भरने में हालत खराब हो जाता है, ये 40,000 भरता है, और पोषण देखो मुश्किल। चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं आगे हम लोग। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अपने रविंद्रपुरी में, उतर चुका है विकास अपने घर के लिए, मतलब एक्चुअली उसका गाड़ी खाली नहीं हुआ, अब वो गाड़ी खाली करेगा और कल मॉर्निंग में निकलेगा वो दुर्गापुर के लिए। अब देखते हैं भाई कहाँ का लोडिंग होता है, फिलहाल हमको बोला भाई लोडिंग अगर होता है बताइएगा, तो हम बोले भाई ट्रांसपोर्टर बहुत है, उसको नंबर ही मैंने पहले ही दे दिया था, तो अपना बातचीत कर लेगा, टेंशन नहीं है। फिलहाल ये देखो भाई रविंद्रपुरी चौराहा, ये देखो अब चल रहे हैं हम घर के लिए। तुम घर जाओगे? तो पोषण अभी घर जाएगा और हम जाएंगे अपने घर, ठीक है, मिलते हैं सुबह, ठीक है, कल भाई काम कराना है, बहुत सारा काम है, ठीक है, सुबह मिलते हैं। अभी जस्ट घर पे आए हैं और हमारे दो सब्सक्राइबर, कैसे हो भाई, बढ़िया, कहाँ से? अरोरा से आए हैं हम। अरोरा से, अच्छा, और आप कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम आदिल है। अच्छा, अभी भाई लोगों से पता है वीडियो कॉलिंग में बात हुआ है और बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, मुलाकात भी हो गया। चलो भाई थैंक यू यार, आप लोग प्यार देते इतना बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, अभी हो चुका है सुबह, ये है नेक्स्ट डे,
और एक काम है, बहुत जरूरी काम है भाई, इस काम के लिए हमें निकलना पड़ेगा महिंद्रा शोरूम। तो अभी पता है क्या काम है वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बता देंगे, लेकिन अभी टाइम हो चुका है 10, दिन का 10 बज रहा है, तो पोषण को थोड़ा सा आने में लेट है, इसी वजह से उसी का वेट कर रहे हैं, जैसे वो आएगा उसको लेके निकलेंगे महिंद्रा शोरूम, जो जरूरी काम है और एक नेक्स्ट ट्रिप हमने प्लान कर लिया है, बाकी आप लोग को बताएंगे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। देखो भाई 3 से 4 जगह का हम प्लानिंग कर रहे हैं, एक है भाई गुवाहाटी आसाम, ठीक है, एक दूसरा है मुंबई होके गोवा, ठीक है, वाराणसी टू गोवा का सफर, और एक है कन्याकुमारी। तो ये 3 सफर में से आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ कहाँ हमको जाना सही रहेगा, कन्याकुमारी जाएं, गुवाहाटी जाएं, या फिर हम जाएं इधर क्या बोलते हैं आपका गोवा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो भाई जैसे कि आप लोगों को बताया सुबह सुबह कि हमें जाना है महिंद्रा शोरूम, एक जरूरी काम था, लेकिन भाई आज हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि घर पे भी थोड़ा सा काम है, गाड़ी को उधर साइड में लगा दिया है, अभी फिलहाल निकल रहे हैं घर, कॉलोनी से गाड़ी को निकालने के बाद कॉलोनी में ना जगह नहीं होता है गाड़ी को पार्क करने के लिए, तो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का करना है आप लोग जल्दी से कॉमेंट करो, हम फटाफट निकलते हैं अब घर के लिए। चलिए अब हम निकल रहे हैं महिंद्रा शोरूम के लिए, पोषण भी आ चुका है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में आप लोगों को हम मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों को हम वीडियो को एंडिंग करने जा रहे हैं, छोटा वाला भाई की दुकान पे है।